आरिफ को चाहिए थी आजादी आयशा ने उसे हमेशा के लिए आजादी दे दी तुझे दिल में बिठा के रखा था पर अफसोस तेरी नहीं थी प्यार करते हैं आरिफ से उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे अगर उसे आजादी चाहिए ठीक है वो आजाद रहे चलो अपनी जिंदगी तो यही तक है। आरिफ ने आयशा के साथ इस तरह किया था सुलूक कि उसे इंसानों से हो गई थी नफरत उम्र रोगी तड़पोगी लेकिन खुशी की झलक तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी लेकिन तब तक मैं अकेले खुश रहना सीख चुका हूँ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए एक चीज जरूर सीख रही हूँ मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो एक तरफा में कुछ हासिल नहीं चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है पर जब आरिफ आयशा को अपनाना ही नहीं चाहता था

आयशा अपने माँ बाप के ख्वाबों की ताबीर थी लेकिन अफसोस कि आरिफ जैसे दरिंदे से वो उसे नहीं बचा पाए डोमेस्टिक वायलेंस विदाउट टचिंग मर्डर ही है ये एक जात का मर्डर ही है डोमेस्टिक वायलेंस तो ये इन लोगों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए जो मर्डर केस में होती है तभी कुछ चेंज आएगा लोगों में वरना लोग दिन ब दिन इंसान की जगह ऐहवान बनते जा रहे हैं ये चीज में पीएचडी करना चाहती थी वो प्रोफेसर बनना उसका था आयशा मेरी बेटी नहीं मेरे ख्वाब की ताबीर थी वो एक मिसाल बनना चाहती थी सब खत्म हो गया आयशा के दुख की दास्ता पर असदुद्दीन औवेश भी रो पड़े तुम्हारा बाप तकलीफ में तो हम भी तकलीफ में मगर कभी अपनी जान मत लो छोड़ो लात मारो को उस जालिम को जो तुमको मारता है तुमसे जहेज का मुतालबा करता है तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है लात मारो उसको कानून को इस्तेमाल करो मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी क्या फायदा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है आयशा बानू मकरानी उफ आयशा आरिफ खान नाम की एक मासूम लड़की जो मरने से पहले एक वीडियो में अपने दर्द की दास्ता कह गई इस वीडियो को जिसने देखा अपने आंसू को रोक नहीं पाया क्योंकि जिस आयशा के पति आरिफ ने उसकी जिंदगी छीन ली आयशा का दिल इतना बड़ा था कि जाते जाते भी वो ये कह गई थी कि मेरे जाने के बाद आरिफ को परेशान मत करना उसकी गलती नहीं है नमस्कार मैं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पाक न्यूज आयशा आरिफ खान का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरिफ की गिरफ्तारी की मांग करनी शुरू कर दी क्योंकि आरिफ ने जुर्म ही ऐसे किए हैं कि गिरफ्तारी से भी उसके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता

तो मेरी मर्जी होगी कदम बढ़ाएगी दरअसल आरिफ और आयशा काफी समय से दोस्त थे लेकिन आरिफ के माता पिता ने उनकी इस दोस्ती को शादी में तब्दील कर दिया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरिफ शादी से पहले भी किसी और लड़की को पसंद करता था पर शादी के बाद आयशा को आरिफ से प्यार हो गया लेकिन आरिफ ने आयशा को कभी अपनाया ही नहीं था शादी के बाद भी वो उसी लड़की को पसंद करता था इसलिए आयशा चाह के भी आरिफ को अपना नहीं बना सकी खुश हूँ कि मैं वल्ला से मिलूंगी उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती रह गई? बाप बहुत अच्छे मिले दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो कई कमी रहेगी तकदीर में, तो में। आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयशा के पति आरिफ को पाली से गिरफ्तार कर लिया था और अभी भी आरिफ जेल की सलाखों के पीछे है इस बात से अब शायद ही कोई अनजान होगा कि आरिफ ने आयशा के साथ कितनी दरिंदगी भरा सुलूक किया था आयशा को दहेज के लिए परेशान करना प्रेगनेंसी के 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 वक्त उसे उसे मेंटली टॉर्चर किया गया यहां तक कि आरिफ आरिफ ने ने मारा भी और इन सब बाद जब आयशा पिता ने आरिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी तो उसने आयशा को अपनाने से भी इनकार कर दिया आत्महत्या करने से पहले आरिफ से हुई बातचीत में उसने इतनी हैवानियत दिखाई उसने आयशा को कहा कि तू मर जा और मरने से पहले अपना वीडियो भेज देना

आखिर कब तक हमारे देश की लड़कियों को यूं ही घरेलू हिंसा और ससुराल की तरफ से मानसिक उत्पीड़न की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी इससे पहले आयशा मामले में जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें भी कई महिलाओं ने कमेंट के जरिए हमें बताया है कि वो भी इन्हीं हालातों से गुजर रही हैं जिस वजह से बार-बार उन्हें भी आत्महत्या का ख्याल आता है लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में या किसी भी देश में इन तरह के अपराधों के लिए कानून इतना सख्त बनाया गया है कि अपराधी को उसकी गलतियों का अंदाजा भी भी लग जाएगा और महिला महिला को को न्याय मिलेगा देश में में कानून बना ही इसलिए है ताकि एक महिला के के पति रूप में आरिफ जैसे हैवानों को उसकी गलतियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसलिए जो महिलाएं इस वक्त खुद को आयशा की जगह रखकर देख रही हैं, जिनके साथ घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है इस वीडियो में उन महिलाओं को कानूनी रूप से कैसे मदद मिल सकती है वो आपको बताएंगे तो इंडियन पीनल कोड की धारा 498 ए के 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 तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ दंड का प्रावधान है है लेकिन ये धारा धारा कहती क्या है? तो इस तहत किसी महिला का पति महिला के प्रति क्रूरता करेगा उसे तीन साल की सजा हो सकती है उसे दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा अब इस धारा में क्रूरता शब्द जो स्पेसिफाई किया गया है उसका असल मतलब यहाँ क्या देखा गया है तो क्रूरता यानी पहला जानबूझकर किया गया कोई ऐसा काम जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य अब चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक उसके प्रति महिला पर आत्महत्या करने का दबाव बनाना दूसरा किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे जुड़े किसी शख्स को किसी संपत्ति की मांग को पूरा करने के लिए फोर्स करना या उसके और उससे जुड़े किसी शख्स की ऐसी मांग पूरी ना कर पाने की वजह से इस तरह महिला को तंग किया जाना तीसरा इसके अलावा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना ये सभी इस धारा के अंतर्गत अपराधों की गिनती में आते हैं इस धारा के तहत घरेलू हिंसा का अपराध गैर जमानती होता है यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस अपराधी के अपराध के मुताबिक कोर्ट ये फैसला लेगा कि उसे जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप शिकायत कैसे दर्ज करा सकती हैं पहला आप पुलिस से मदद ले सकती हैं दूसरा पीड़िता राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू को शिकायत कर सकती है तीसरा, की भी मदद ले सकती है 2005 अधिनियम के तहत में प्रोटेक्शन ऑफिसर की की तो से भी ये मदद मिल जाएगी क्योंकि यही प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके कंप्लेन फाइल को कोर्ट के सामने पेश करने में आपकी मदद करेगा आयशा ने तो अपनी जान आरिफ से प्यार करने के गुनाह में गवा दी लेकिन इस देश और दुनिया में ऐसी कई आयशा हैं जो इस तरह की हैवानियत का सामना कर रही होंगी जिन्हें सिर्फ एक सहारे की तलाश होगी लेकिन आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि, कि किसी भी परेशानी का हल आत्महत्या बिल्कुल नहीं है कानून का सहारा लीजिए क्योंकि देश की कानून व्यवस्था ही अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपका साथ देगी इसलिए जो महिलाएं इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है मजबूत बनिए कानून का सहारा लीजिए गलत के खिलाफ आवाज उठाइए कानून सबके लिए बराबर है न्याय जरूर मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद पसंद आई हो और आपका आपके मन में कोई सवाल आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए नमस्कार